अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबालेवान। सी शार्प सीरीज में के सिलसिले में मैं आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। अच्छा, एरे क्या होता है, एरे क्यों हम लेते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, हम सब आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हमारा वेरिएबल्स लाजमी बनते हैं, हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं जिनकी टाइप सेम होती है, और फिर हमें ये मालूम है कि जितने हम वेरिएबल्स बनाएंगे उतने ही वो रैम पे जाके ऑब्जेक्ट बनेंगे और अपना एक मेमोरी लोकेट करेंगे। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो इसका मतलब उतने ही ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज यूज़ होगी, और हम टाइप भी उनकी सेम है, फिर हमें भी जो है उसको नाम अलग अलग याद रखने पड़ते हैं। तो फिर मैं और उनकी जो उनके वैल्यू भी मुझे असाइन करनी है, और मुझे मेरा मकसद उनको यूज़ करना, जैसे कंडीशन में यूज़ करना या उसका प्रिंट लेना, उसका जो वैल्यू है उसका प्रिंट लेना है। तो ये जो काम हम करते हैं वेरिएबल्स के थ्रू, हम चाहते हैं कि हम वो सारे वेरिएबल्स जो इतने सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं जिनकी टाइप सेम है उसको हम एक नाम में रख लें, एक वेरिएबल में असाइन कर दें। तो इस पर्पज़ के लिए एरे आया है, यानी मोर देन वन वैल्यू विच हैव अ सेम डेटा टाइप स्टोर इन वन वेरिएबल, इस पर्पज़ के लिए हम एरे बनाते हैं। यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए हम एरे बनाते हैं। तो एरे जैसे मैं नॉर्मली बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक हमने वेरिएबल बनाया, हमने कैस्ट्रिंग करके और मैंने एक्स के नाम से वेरिएबल ले लिया और मैंने एक वैल्यू पास कर दी, हमने कहा एजुकेशन ले लिया फॉर एग्जांपल। और इसी तरीके से हमने एक और वेरिएबल बनाया, हमने वाई के नाम से बना दिया और मैंने जहाँ वैल्यू असाइन कर दी, मैंने कहा मसाला जावेद असाइन कर दी वैल्यू। और इस तरह से और वेरिएबल लेते जाएंगे, वैल्यू देते रहेंगे। अगर इंटीजर हुआ तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप ले ली, मैंने ए के नाम से वेरिएबल लिया, पहले एक वैल्यू असाइन कर दिए, फिर दूसरा वेरिएबल ले लिया, उसको कोई और डिफरेंट वैल्यू पास कर दिए। तो मतलब दो वेरिएबल्स बन गए इंटीजर के लिए, दो हमने स्ट्रिंग के लिए बनाए, और बहुत सारे बनाने पड़ जाते हैं हम लोगों को। और हमारा मकसद है इस एक्स की वैल्यू को रिटर्न लेना, यानी एजुकेशन लिखा है उसका रिटर्न हो जाएगा, वाई का रिटर्न लेना यानी जावेद लिखा है उसका रिटर्न आ जाएगा, और ए का रिटर्न लूँगा तो 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 58 कैलकुलेट करने जाते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ जब इतने वेरिएबल्स हैं तो उसकी जगह मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास एरे बनता है। एरे क्या होता है, कैसे बनता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। एरे के अंदर दो तरह से होता है, या तो हम एक तो ये होता है जिसमें हम उसकी लेंथ यानी उसकी लिमिट, एरे की लिमिट असाइन कर सकते हैं कि भाई लिमिट दे दी, इससे मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी, वो भी बनता है। और एक ऐसा होता है जिसके अंदर हम लिमिट असाइन नहीं करते हैं, जितनी वैल्यूज देते हैं ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो खुद ही उसकी लिमिट असाइन कर लेता है, तो वो भी एक दूसरा तरीका है। तो दोनों तरीके मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं स्ट्रिंग एरे बनाना चाहते हैं, हमने क्या स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग एरे का बनाने का सिंटैक्स क्या है कि आपने जो डेटा टाइप देते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे इंटीजर है, चाहे डेसिमल है, चाहे डबल है, जो भी डेटा टाइप है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही आप लगाएंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप एरे बनाने लगे हो। तो ये एरे के लिए साइन होता है, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, चाहे वो सी शार्प है, चाहे जावा है, कोई भी लैंग्वेज होगी या सी लैंग्वेज है तो या विजुअल बेसिक है, उन सब में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है जो ये हाईलाइट करता है कि भाई हम एरे बना रहे हैं। अब इसके बाद हमने कोई भी जैसे नॉर्मली वेरिएबल लेते हैं, हमने ए के नाम से वेरिएबल ले लिया। अब इस स्ट्रिंग की एरे की क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और ऑब्जेक्ट बना के हम चाहे तो यहीं पे इसको इसकी लिमिट असाइन कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, इसका मतलब है मैं 3 वैल्यूज़ दे सकता हूँ इस ए के वेरिएबल को, 3 से ज़्यादा दे नहीं सकता। अगर ज़्यादा दूंगा तो रन मोड पे जो है एरर आ जाएगा, तो इस मतलब मैं 3 वैल्यू दे सकता हूँ। तो बैक एंड पे एक ही वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर वो 3 इंडेक्स बनाएगा, 3 इंडेक्स बनाएगा। पहली वैल्यू को 0 इंडेक्स पर रखेगा क्योंकि एरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, दूसरी वैल्यू को 1 इंडेक्स पर रखेगा और तीसरी वैल्यू को 2 इंडेक्स पर रखेगा। तो इसका मतलब है वो वेरिएबल एक ही होगा लेकिन उसके अंदर 3 डिफरेंट इंडेक्सेस होंगे। तो इसका मतलब जब 3 डिफरेंट इंडेक्सेस हो रहे हैं तो हम तीनों को अलग अलग कॉल कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग हम जो है वो कंडीशन पे भी लगा सकते हैं, और अगर चाहे तो तीनों का एक्स्ट्रा प्रिंट लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जो कि सिंपल अगर हम वेरिएबल बना रहे तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम सबका एक साथ प्रिंट ले, तो हो तो जाएगा लेकिन उसके लिए फिर हमें जो है वो कोई कलेक्शन वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। तो यह आसानी से जो है हम तीनों का प्रिंट भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। तो अब जैसे मुझे पहली वैल्यू पास करनी है तो मैं 0 इंडेक्स, हमें पता है एरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, हमने कहा 0 इंडेक्स पे आप रख दो स्ट्रिंग है, तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, हमने कहा मिसाल है एजुकेशन दे देते हैं। तो सब पता है 0 इंडेक्स पे, ए के 0 इंडेक्स पे वो एजुकेशन रख देगा, फिर ए के 1 इंडेक्स पे आ जाते हैं और यहाँ पर आके हमने कह दिया, हमने कहा जावेद, तो जावेद प्रिंट कर देगा।
और इसी तरीके से हमने कहा ए के टू इंडेक्स पे है और हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया, हमने कहा आवान, उसको आवान प्रिंट कर देगा। अब ये तीन जगह उसे एलोकेट की उसी ए के अंदर ही, यानी मेमोरी में जो जाएगा तो तीन जगहों पे जाके जीरो पे एजुकेशन रख देगा, वन की जगह पे जावेद रख देगा और टू पे अवान रख देगा। तो मतलब ये वेरिएबल एक ही होगा लेकिन उसके अंदर वो तीन उसके पार्ट्स कर देगा, तीन पार्शियली उसके पीसेस बना देगा। अब मुझे इंडिविजुअल प्रिंट करवाना है तो हमने वो भी कर सकते हैं, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने कहा प्रिंट कर दो और हमने कहा ए के अंदर आप जो है वो फॉर एग्जांपल वन की वैल्यू को प्रिंट कर दो तो वन इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, तो वन इंडेक्स पे आपका जावेद लिखा हुआ है वो इसका प्रिंट कर देगा हमें। अब जब हम रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को तो क्या होगा कि वो जावेद का हमें प्रिंट दे देगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिखूंगा तो एजुकेशन का प्रिंट दे देगा और अगर मैं यहाँ पे टू लिखूंगा तो वो आवान का प्रिंट दे देगा। अब ज़ीरो लिखा तो उसने एजुकेशन का प्रिंट दे देगा। तो इसका मतलब ये वेरिएबल एक ही है लेकिन उसको उसने तीन हिस्सों में अलग अलग पीस करके और अलग अलग इंडेक्स दे के उसने उसको एलोकेट किया हुआ है और वहाँ से हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। अगर मैं इन सबका एक साथ आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो भी है, लूप चला सकते हैं। अब इस यहाँ पे फॉर लूप भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर ईच भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल के अंदर अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो सिंपल है, उसी तरह से लूप चलेगी लेकिन फिर हमें इसकी लेंथ देनी पड़ेगी और स्ट्रिंग हमें एक मेथड मिलता है, वो मिलता है लेंथ के नाम से। तो हम एरे की लेंथ लेने के लिए ए डॉट लेंथ करके और वहाँ तक उसकी लूप चला लेंगे और इंक्रीमेंट कर लेंगे और फिर उसका प्रिंट हो जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। और अगर आसानी से करना चाहते हैं, मुझे ना लेंथ के झंझट से बचना है, मुझे मैं चाहता हूँ मैं लेंथ का कोड भी ना करूँ, तो फिर हमें एक फॉर ईच की लूप मिलती है। फॉर ईच की लूप बेसिकली कामयाब होती है एरे और कलेक्शंस के लिए और बड़ा इजी उसका सिंटैक्स है। आपने फॉर ईच लेना है, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप इस ए की वैल्यू को रखना चाहते हैं। तो वेरिएबल बनाने से पहले हमें पता है कि हमें टाइप देनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे एक्स या किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके बाद आपको आई एन इन का कीवर्ड मिलता है जो रेंज उठाता है। अब कहाँ से लेनी है वैल्यू, ए से लेनी है, तो ए से सारी वैल्यू एक्स के वेरिएबल में चली जाएगी और हम जब एक्स का प्रिंट लेंगे तो इसका मतलब है कि वो सबका हमें आउटपुट आ जाएगा और हमने कहा एक्स का प्रिंट दे दो तो वो सबका आउटपुट आ जाएगा और वो तीनों वैल्यूज उसके अंदर असाइन हो जाएगी। अब देखिए एजुकेशन, जावेद और आवान तीनों वैल्यूज में आ गई। पहले से एजुकेशन मैंने अलग से लिखा हुआ था, उसका प्रिंट आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने हमारा मकसद सॉल्व हो गया कि हमें मल्टीपल बहुत सारे वेरिएबल्स ही लेने पड़े और हमें अलग अलग भी उसको हमें कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, अलग अलग उसको प्रिंट ले सकते हैं, अलग अलग उस पर कंडीशन भी लगा सकते हैं और चाहे तो सबका एक साथ प्रिंट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पर तीन की लेंथ दी है और आप इसको अगर चौथी वैल्यू भी असाइन कर देते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आके इसको दे देता हूँ थ्री पे, सॉरी इसको थ्री पे आके और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ, मैंने कहा एक मिसाल है कुछ भी लिख दिया हमने कहा रफ, तो होगा क्या कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा? जब ये असल में रन मोड पे डायनेमिकली जाके रन मोड पे जाके अपने उसके एरे को फिल करता है तो जब ये वहाँ पे फिल करने लगेगा तो 0 1 2 तो सही है लेकिन जैसे वो 3 पे आएगा तो आउट ऑफ बाउंड यानी उसकी लेंथ से ज़्यादा चीज़ चली जाती है तो आउट ऑफ बाउंड का एरर होता है, एक्सेप्शन होती है, ये हमें वहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए जब रन करूँगा तो जैसे ही आएगा तो क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन और हमें उसे दे दिया आउट ऑफ बाउंड का एरर दे दिया, आउटसाइड बाउंड का एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि आपने जो उसको लेंथ दी हुई है, जो उसने आपने लिमिट दी हुई है, आपने उस लिमिट से ज़्यादा वैल्यू दी हुई है जो उसको स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके लिए तीन बॉक्स रखे हुए हैं और चौथा बॉक्स तो है ही नहीं, तो चौथे बॉक्स के अंदर वैल्यू कैसे रखेगा? तो इसलिए आपके इसका एरर आएगा। तो फिर आपको यहाँ पर आके ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह का काम ना हो। अगर आप इस तरह के करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ पे इसको फोर कर देंगे, जैसे मैं इसको फोर कर दूंगा तो ये एरर मसला सॉल्व हो जाएगा। अब जब मैं रन करूँगा तो सबका आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए सबका आउटपुट आ गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई जो वैल्यू हो उसके हिसाब से वो खुद ही उसको असाइन कर लें, तो वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, अब जैसे मैं इसी में काम कर लेता हूँ और मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने ब्लैंक कर देना है। इसका मतलब आप इसको लेंथ नहीं दे रहे हो, बाकी सब सिंटैक्स वही है, आपने इसको ब्लैंक कर दिया। और ब्लैंक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके सेमी कॉलन उठाना है, जब कोई टर्मिनेटर तो टर्मिनेट कर रहा है लाइन को। फिर आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक बनाना है। बेसिकली हम इसके कंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं, स्ट्रिंग की क्लास के कंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं और वहीं पर वैल्यू दे रहे हैं।
और हमने यहाँ पे दे दिया, हमने कुछ भी वैल्यू पास कर दिया, हमने वही दे दिया, हमने कहा एजुकेशन। और फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू देने के लिए आपने यहाँ पे दे दिया, आपने कहा मिसाल है जावेद। तो अगर मैं यहाँ पे दो रखता हूँ तो दो चलेगा, अगर दो से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे दो से ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी, और लास्ट में हमने सेमी कॉलन टर्मिनेटर लगा दिया। अब जब मैं रन करूँगा तो इसका मतलब है एजुकेशन और जावेद उसका प्रिंट आ जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि अब हमने क्या कर दिया, और वैल्यू देखो वो भी चल रही है, ए ज़ीरो पे ये आ रहा है, और ए इसका इसको वन ही उठाएगा, उसे एजुकेशन का प्रिंट दिया और एजुकेशन और जावेद उसने लूप से प्रिंट दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके वन करता हूँ तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही यानी इसको ज़ीरो इंडेक्स दिया, जैसे पहले जैसे हमने दिया था, अब उसने खुद से पहली वैल्यू को ज़ीरो इंडेक्स दिया और दूसरी वैल्यू को से वन इंडेक्स दिया। अगर मैं यहाँ पे वन लिखूँगा तो इसका मतलब जावेद का प्रिंट आएगा, और अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख रहा हूँ तो एजुकेशन का प्रिंट आया था। और अगर फॉरिच की लूप हमने चलाई वो भी ऐसे ही चली और उसका कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब अब हम जो भी वैल्यू देंगे ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से लेके, आप देखें यहाँ पर जावेद को उसे प्रिंट दे दिया। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि आप इंडेक्स हम ना दें, और अगर हम इसको लिमिट नहीं देते तो इंडेक्स वो खुद ही असाइन कर देता है, और जितनी उसकी वैल्यूज होती है उसके हिसाब से वो चल रहा होता है। आपने एक वैल्यू और देनी है, आपने यह कॉमन ला के एक वैल्यू और पास कर दिया, हमने कहा सलावाज, तो एक वैल्यू और चली जाएगी इसके अंदर। उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं देना चाहे तो वैसे भी दे सकते हैं। और यहाँ पे अनडिफाइन हो गया, यानी सर डिफाइन नहीं की, हमने उसकी लेंथ डिफाइन नहीं की, और लेंथ डिफाइन ना होने पे जितनी उसकी वैल्यू थी ऑटोमेटिकली उसने उसके हिसाब से उसको इसकी लेंथ डिफाइन कर दी है। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है वो कोड करते हैं। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मली हम एरे बनाते हैं और इस तरह काम कर रहे होते हैं। अब अच्छा, अगर मैं इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करा दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जी यू आई पर काम करा देता हूँ और इस एरे को हम जैसे एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं, तो इस तरह करना चाहें तो चलें वो कर लेते हैं। जैसे हमें मालूम है कि हमारे पास कलर के नाम से क्लास है, कलर की जो क्लास है हमारे पास वो एरे बेस क्लास होती है, जो कि ड्राइंग की लाइब्रेरी में मौजूद होती है, तो मैं उस पर काम करा देता हूँ आपको। चलें अब जैसे फॉर्म है, अब हमारे पास विद फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ड्राइंग की लाइब्रेरी होती है। अब देखें ड्राइंग की लाइब्रेरी हमें कॉल होती है, और उस ड्राइंग की लाइब्रेरी के अगेंस्ट में हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, जिसमें से एक क्लास है कलर की, तो मैं उस कलर की क्लास को जैसे यूज़ करता हूँ, हमने कहा कलर। अब देखिए कलर की जो क्लास है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और एरे बेस है, इसमें हम वैल्यू एरे की तरह वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे एरे बेस क्लास पे, तो उसको मैंने एरे का साइन लगाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे आके हमने ऑब्जेक्ट बना के इसको असाइन कर दिया, और यहाँ मैं इसको लिमिट भी असाइन कर देता हूँ, चाहे तो ना करना चाहे तो ना करें, डायरेक्टली हम उसको जो है वो वैल्यू दे देंगे तो लिमिट खुद ले लेगा, अगर आप इसको लिमिट देना चाहते हो तो लिमिट दे दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो मैंने 4 की लिमिट असाइन कर दी। अब कलर है, कलर की क्लास है, मतलब है कलर के नामों में मिलेंगे इसके अगेंस्ट में, और उसको हम डिफरेंट इंडेक्सेज से पास कर सकते हैं। तो अब जब मैं उसे कलर के नाम इसी से लूँगा तो मैं वन बाई वन कर लेता है, चाहे अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा ले और वहाँ वैल्यू दे दें, और अगर यहाँ करना है तो मैं लोड इवेंट पे ही आ जाता हूँ, जैसे मेरा फॉर्म लोड होगा मैं लोड इवेंट में मौजूद हूँ, जब मेरा फॉर्म लोड होगा तो हमने इसके अंदर आके मैंने ज़ीरो इंडेक्स पे, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लिख दिया, आपने कहा कलर की क्लास ली मैंने, स्ट्रक्चर सॉरी कलर का स्ट्रक्चर है, और कलर डॉट मैंने यहाँ पर रेड का कलर कर दिया, और यहाँ मैंने 4 की लिमिट रखी हुई है, तो मैं 4 वैल्यूज को दे सकता हूँ, और हमने यहाँ पे दे दिया 1 का इंडेक्स, और यहाँ पास कर दिया 2 इंडेक्स, और यहाँ पास कर दिया हमने 3 इंडेक्स, और 1 पे आके हमने कहा कलर डॉट ब्लू दे दिया, फिर इस तरह से हमने कलर डॉट वाइट दे दिया, और इसी तरीके से हमने कलर डॉट ग्रीन दे दिया। ठीक है जी, एरे बेस क्लास थी, हमने नहीं बनाई, प्री डिफाइन पहले से बनी हुई क्लास थी, ड्राइंग की लाइब्रेरी में मौजूद थी, एरे बेस क्लास थी, हमने वहाँ पे इसको यूज़ किया और यहाँ पे उसको लेंथ दे दिया। अब हमें एरे बनाने आता है तो हम इस तरह के काम कर सकते हैं, और नेट पे सर्च कर सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास प्री डिफाइन पहले से मौजूद है, और उस वो एरे बेस क्लासेज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद 0, 1, 2, 3 थी, 4 इंडेक्सेज है उसके, और 4 इंडेक्स पर डिफरेंट मैंने कलर्स पास कर दिए। अब जब इसमें 4 कलर दे दिए, अब मैं इसको रिटर्न लेना चाहता हूँ, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस काम कर लेते हैं कि हम फॉर्म पे ही फॉर्म के बैकग्राउंड कलर पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इन कलर्स को, तो कैसे करेंगे। अच्छा, मैं लोड इवेंट पे आता हूँ तो लोड इवेंट पे तो सिंपल आ जाता है, मैंने यहाँ पे दे दिया, हमने कहा दिस, जैसे मतलब करंट आपका फॉर्म आ गया, हमने कहा दिस डॉट बैक कलर,
और इक्वल टू मैंने क्या दिया CLR, और मैंने यहाँ पे दे दिया 0, तो इसका मतलब है रेड कलर आ जाएगा। और अगर मैं इसको 1 दूंगा तो ब्लू कलर मैंने दिया हुआ है 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स में मैंने वाइट कलर दिया हुआ है, 3 इंडेक्स में मैंने इसको ग्रीन कलर दिया हुआ है। तो लोड इवेंट मैंने पास किया है, जैसे मेरा फॉर्म लोड होगा तो इसका मतलब है वहाँ पर जो है वो कलर इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, रेड कलर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आके इसको 1 दे देता हूँ तो इसका मतलब है ब्लू हो जाएगा, और अगर इसको मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ तो इसका मतलब है कि ग्रीन कलर हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ नहीं, अब ये कलर वन बाई वन चेंज भी होता रहे, काम होता रहे, तो हमें एक कंट्रोल होता है वो मैं करा देता हूँ आपको चलें, वो होता है टाइमर का कंट्रोल होता है। हमें ऑल विंडो फॉर्म में मिलता है टाइमर का कंट्रोल। आपने टाइमर कंट्रोल लिया, टाइमर क्या काम करता है, मिली सेकेंड्स में काम करता है। अगर कोई भी काम हमें टाइम ड्यूरेशन पर करना हो तो इस पर्पज़ के लिए हम टाइमर को यूज़ करते हैं। तो टाइमर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आके इंटरवल, जैसे हम टाइमर का होता है मिली सेकेंड्स में होता है, मैं चाहता हूँ 1 सेकेंड में काम हो जाए तो 1000 कर दिया इसको, मतलब 1 सेकेंड में काम करेगा। बाय डिफॉल्ट के इनेबल फॉल्स होता है, ऐसा होता है काम नहीं करेगा, सो मैं इसे इनेबल ट्रू कर देता हूँ। और फिर इसके इवेंट पे आता हूँ, टिक का इवेंट होता है इसका। अब इसके इवेंट पे आके हम काम करना चाहते हैं, तो अब कैसे काम करेंगे कि मैंने जो कोड यहाँ लगाया था बैकग्राउंड कलर का, मैं वो यहीं पास कर देता हूँ। लेकिन फ़र्क क्या करता हूँ, मुझे डिफरेंट 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स चाहिए, और पहले 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू को मैं यहाँ देना चाहता हूँ। तो फिर हमें यहाँ पे एक ग्लोबल में एक वेरिएबल बना लेते हैं, और एन उसकी वैल्यू में 0 पास कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका मतलब है जब मैं इसको दे दूँगा एन, तो ये 0 वैल्यू को लेकर आएगा, और 0 वैल्यू पर हमारे पास जो है वो रेड कलर है। तो जैसे टाइमर 1 सेकेंड के बाद जो है वो कलर रेड कर देगा हमारे फॉर्म का, ठीक है जी, कलर चेंज हो गया, और 1 सेकेंड बाद काम कर रहा है, अपने इवेंट को दोहरा रहा है और जाके वही कलर को रिपीट कर रहा है। मैं चाहता हूँ 1 बाई 1 कलर साथ साथ ही चेंज होते रहें, इस तरह से हम काम करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आके पहले तो मैं कंडीशन लगाता हूँ कि कब कहाँ तक चलना है। अब हमने कहा उस वक्त तक चलो जब तक एन की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। हमने यहाँ पे 0, 1, 2, ठीक है 4 दी हुई है, उस वक्त तक जब तक एन लेस देन 4, यानी एन की वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक आपने यहाँ पर जो है वो काम करना है, ठीक है जी। तो 0, 1, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, बल्कि 3 आएगा ना, 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, उस वक्त जबकि एन की वैल्यू 3 नहीं होती, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो 3 पे आके 4 नंबर्स हो जाएंगे ना। अगर मैं 4 दूंगा तो फिर तो 5 पे चला जाएगा, और 5 तो है नहीं तो एरर जनरेट हो जाएगा। और उस वक्त मैं क्या कर देता हूँ, एन को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ 1, 1 का, तो एन प्लस प्लस कर दिया, और एल्स नहीं तो जैसे हो जाएगा तो फिर क्या करना है। और हमने एन की वैल्यू यहाँ पे 0 दोबारा से असाइन कर दी। अब क्या होगा कि टाइमर चलेगा, हर 1 सेकंड बाद उसको एक नया नंबर एन की वैल्यू मिलेगी, पहले 0 मिलेगा तो रेड कलर पास कर देगा, फिर 1 वैल्यू हो जाएगी तो ब्लू पास कर देगा, फिर 2 वैल्यू हो जाएगी तो वाइट पास कर देगा, और जैसे टाइमर की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ग्रीन पास कर देगा। चलाते हैं, अब देखा 1 सेकंड बाद रेड हो गया, ब्लू हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर रेड हो जाएगा, फिर ग्रीन ब्लू हो जाएगा, ग्रीन वाइट और फिर ग्रीन लास्ट में। तो सीक्वेंस वही चलेगी जो हमने दी है 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से हमारे पास कोड भी बच गया। अगर अदरवाइज अगर इससे अच्छे करते तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे 4 टाइमर लेने पड़ते हैं, और 4 टाइमर पे हम पहले टाइमर का इनेबल ट्रू करते हैं, फिर फॉल्स करते हैं दूसरे का, फिर दूसरे का ट्रू करते हैं, तो 4 टाइमर्स पे काम करना पड़ता है, कोड का रिपीट करना पड़ता, तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो सबसे हम लोग बच गए यहाँ पे आके, और सबसे बच के हमने काम कर दिया। हम किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज़ करेंगे, अगर यूज़र नहीं चाहता है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए तो इसको बटन दे दें, इसको स्टॉप का बटन दे दें, वो बंद कर दें इसको। तो हमने कहा स्टॉप कर दिया, और स्टॉप पे आके हमने यहाँ पे टाइमर जो है उसका इनेबल फॉल्स कर दिया। सिंपल, जब इनेबल फॉल्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि टाइमर काम नहीं करेगा। अब जब उसे देखना है जो हमने किसी भी फॉर्म पर लगाया हुआ है, उसको कलर चेंज नहीं करना है, बटन प्रेस कर दिया, स्टॉप हो गया, सुबह आगे काम नहीं करेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कलर भी आ जाए तो वो कलर भी ले लेते हैं, वो बड़ा आसान काम है, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम टाइमर ही के इवेंट पर आ जाते हैं, और चाहे तो मैं लेबल टेक बॉक्स पे दे दूँ, फॉर्म पे दे देते हैं, तो हम फॉर्म के ऊपर जैसे यहाँ पे कलर लिखा है, फॉर्म में नाम लिखा हुआ है तो उसकी जगह दे देते हैं। हमने कहा दिस डॉट टैक्स या लेबल है तो लेबल ले लेंगे, लेबल 1 डॉट टैक्स कर लेंगे, और इसको हम कलर का नाम देना चाहते हैं तो हमने कहा CLR जिसके पास कलर मौजूद है, और CLR के अंदर n आ जाएगा जो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, और डायरेक्टली इसके डॉट टू स्ट्रिंग में कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि उसकी
वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो आ जाएगा। तो जैसे कलर जो भी आता जाएगा साथ उसका नाम याद है, देखिए कलर रेड आ गया, ब्लू आ गया, वाइट आ रहा है और ग्रीन आ रहा है, और साथ साथ हमारे पास जो है वो कलर भी चेंज हो रहा है, उसका जो कलर उसको एरे से मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एरे में कलर दिए हुए हैं, और जब हमने एरे में कलर दिए हुए हैं तो जो कलर के नाम इसको मिल रहे हैं वही नाम यहाँ पे जो है फॉर्म के टाइटल में एज ए टेक्स्ट हमने रिटर्न करा दिया है, तो साथ साथ नाम भी आ रहे हैं। तो आसानी से एरे से तो इस तरह काम हो जाता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा करें और प्रैक्टिस करते रहें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी काम आएगा। ये जो हमने एरे बनाया है ये सिंगल डायमेंशनल एरे कहलाता है, इसके अंदर सिंगल डायमेंशनल है, इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल एरे भी होते हैं, टू डायमेंशनल एरे भी होता है, थ्री डायमेंशनल एरे भी होता है। थ्री डायमेंशनल एरे जो है आपका वो मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। तो कोई ख़ास फर्क नहीं होता उसमें, ये होता है कि जैसे आप एरे बना रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉमा लगा लेते हैं, और अगर दो कॉमे दे देंगे तो इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। तो अगर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करें, अगर आपको उसके रिक्वायर्ड उसकी ट्रेनिंग तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसकी ट्रेनिंग में डाल दूँगा। और अगर आपको सिंपल उसका हवाला चाहिए थोड़ा बहुत कि उसका सिंटैक्स आ जाए हमारे पास, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है कि जैसे आप एरे बनाओगे मल्टी डायमेंशनल एरे अगर हम देना चाहते हैं तो अब आपने जैसे इंटीजर बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हम कर चुके हैं, तो आपने सिंपल जैसे आपने कहा इंट, और उसके बाद यहाँ पर आपने सिंगल टू डायमेंशनल एरे तो आपने एक कॉमा लगा दिया। अगर मैं मल्टी डायमेंशनल एरे करना है तो मैं यहाँ पर दो कॉमे लगा दूँगा, तो टू डायमेंशनल एरे के लिए हमने एक लिया। अब इसके बाद आप जो भी उसको वैल्यू दोगे, हमने इसको किसी भी नाम से वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे जो है वो आई के नाम से ले लिया वेरिएबल, एरे बना दिया, और इसके बाद जब मैं यहाँ पे आके न्यू इंट की क्लास लूँगा और इसको मैं जो है एरे असाइन करूँगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पहले सिंगल किया था, अब सिंगल की जगह आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पे दो वैल्यू दोगे, जो पहली वैल्यू दोगे वो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी। यानी हम टू डायमेंशन करना चाहते हैं तो कॉलम और रोज पे खेलेगा, जैसे मैट्रिक्सेस होता है, मैट्रिक्सेस क्या होता है, और उसके बाद आपने जो दूसरी वैल्यू दोगे वो उसकी रोज बन जाएंगी। यानी मैं तीन कॉलम और दो रोज पे काम करना चाहता हूँ, तीन कॉलम और दो रोज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए शर्त यह कि आपने यहाँ पहले तो कॉमा लगाएंगे, और दूसरा आप उसको वैल्यू दो देंगे, आप दो से ज़्यादा देंगे तो एरर आ जाएगा, एक देंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर वैल्यू नहीं है आप चाहते हो रन मोड पर वैल्यू देना चाहते हैं कि कितने कॉलम और कितने रोज होंगे, तो दोनों को खाली छोड़ दो, बीच में कॉमा लगा दो, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ यहीं पे इसको वैल्यू भी असाइन करना चाहते हैं और तो हम यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लेते हैं, हमने जैसे यहाँ पे दे दिया, हमने कहा ज़ीरो वैल्यू, पहला ज़ीरो कॉलम और फिर ज़ीरो दिया, हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, फिर इसी तरीके से यहाँ पर आके हम दूसरी वैल्यू देंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास जो है पहला कॉलम, तो पहला कॉलम पहली रो, और फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पर सेपरेटर यूज़ किया, और फिर हमने यहाँ पर कलरी पैकेट ब्लॉक दे दिया, मैंने कहा वन और वन वन तीन वैल्यू देता हूँ, तो ये दूसरा कॉलम और दूसरी रो पे आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो तीसरे के बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया, हमने कहा टू, तो यहाँ पे तीसरा कॉलम और तीसरी वैल्यू हम यहाँ पे इसको जो है वो असाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू हो जाएगी। फिर इसको अगर हम इसको लूप चलाना चाहते हैं तो लूप चलाने के लिए, अच्छा हमने यहाँ पे मिस्टेक हुई है छोटी सी, कि मिस्टेक ये हुई है हमारे पास के जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू दी है, अब देखो पहला हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक दिया, तो ये कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया, कॉमा दे के आपने यहाँ से दूसरी ब्लॉक चला, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे तीन दे दिए ना, हमें तो बेसिकली जो तीन कॉलम और दो रोज है ना, तो हमने तीन वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर जो है उसको पहले तो ये मिस्टेक है हमारे पास, इसको हम सही करेंगे कि तीन कॉलम है और दो रोज़ है, तो यहाँ पे आपके पास तीन कॉलम हो गए और ये आपके पास दो रोज़ हो गई, ठीक है जी। तो इसने आपको जो है वहीं पे सिंटैक्स वहीं से पकड़ लिया था कि तीन कॉलम है, तो ये देखिए पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, और इसके अंदर आपके पास जो है आपकी जो है वो रोज़ हमने असाइन कर दी, तो ये तीनों इसकी जो अलग अलग रोज़ होगी। मैं वैल्यू डिफरेंट चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो किया, हमने पहला रो पहला कॉलम दूसरी रो, और फिर इसके बाद दूसरा कॉलम हमने यहाँ पे आके जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यू इसको फोर देता हूँ, कोई भी वैल्यू दे दें, थ्री दे दें, फोर दे दें, कोई भी वैल्यू साइन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जब मुझे रिटर्न लेना है, तो अगर मैं इसके यहाँ पे आगे फॉर इच की लूप चलाऊँगा तो ये क्या करेगा, ये सबकी वैल्यू आ जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सबका रिटर्न दे देगा मुझे। और अगर मैं चाहता हूँ एक वैल्यू उसकी उठाए, एक वैल्यू उसकी उठाए, सॉरी, तो अगर एक वैल्यू उसकी उठाए, एक वैल्यू उसकी उठाए, तो अगर मैं इस तरह से करना चाहता हूँ
तो फिर वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने वहाँ पे जो है वो y और z दो वेरिएबल ले लिए, और अगर मैं चाहता हूँ एक वैल्यू उसकी उठाए फिर एक वैल्यू उसकी उठाया तो हमें लूप चलानी पड़ेगी, लूप के अंदर हमें नेस्टेड लूप देनी पड़ेगी। तो हमने जैसे फोर लूप दे दिए, और यहाँ पे जो है मैंने पहला वेरिएबल जो y के हिसाब से बनाया तो उसको मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर देता हूँ, और उसके बाद हमने कहा वाई लेस देन कहाँ तक चलेगा, तीन कॉलम है तो मैं पहले यहाँ से कॉलम उठाऊँगा, कॉलम की वैल्यू उठाऊँगा, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे अगर मैं इसको ज़्यादा दे दूँगा तो एरर आ जाएगा, तीन से ज़्यादा करेंगे तो ऊपर हमने तीन कॉलम दिए हुए तो एरर दे देगा, और फिर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसी के अंदर मैं नेस्टेड लूप बना लेता हूँ, इसी लूप के अंदर मैं एक और लूप चला लेता हूँ, जो मैंने जेड दूसरा वेरिएबल लिया था वो मैं यहाँ पे दे दूँगा रोज़ के लिए। तो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रोज़ के लिए मैं ले रहा हूँ, तो मैंने जेड के नाम से वेरिएबल लिया, इसको भी मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा क्योंकि एरर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आके लेस देन कहाँ तक चलूँगा, टू तक चलूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है वो दो रोज़ दी हुई हैं, और इसको भी मैं यहाँ पे आके जो है वो सॉरी जेड है हमने कहा जेड लेस देन टू कर दिया। अच्छा लेस देन इक्वल टू करोगे तो आगे चला जाएगा, इस इक्वल टू नहीं करना क्योंकि हमें दो तक है तो ज़ीरो वन और टू ये तीन चाहेगा, तो इसका मतलब दो चलेगा, ज़ीरो वन यानी ज़ीरो वन दो चलेगा। तो अगर आपने इक्वल टू कर दिया तो ज़ीरो वन टू पर चला जाएगा, जब टू भी आ जाएगा वो उसको वैल्यू होगी नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे आकर जेड प्लस प्लस कर दिया, फिर इसके बाद आपने इसकी बॉडी बना दी और यहाँ पे आपने सिंपल प्रिंट करवा दो, आपने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और हमने कहा यहाँ पे प्रिंट करते हैं जैसे हमारे पास वेरिएबल था हमारे पास आई का, मैं आई दूंगा, और मैं चाहता हूँ इस तरह के प्रिंट हो तो हमें पता चले कि कौन सा कॉलम में कौन सी रोज़ है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स दे देता हूँ, मैं कहा ज़ीरो इंडेक्स है और दूसरा मैं इसको इंडेक्स दे देता हूँ यहाँ पे वन का इंडेक्स, और बाद में इस इंडेक्स को वैल्यू बताएंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ से इसको मिलेगी। तो ये आके हमने यहाँ पर आके जैसे मैं इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, फिर इक्वल टू करके अब मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ, तो हमारे पास टोटल दो इंडेक्सेज हैं तो हम यहाँ पर इसको दो इंडेक्सेज दे देते हैं, लेकिन इनवर्टेड कॉमास हम क्लोज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आके हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल दो इंडेक्स हैं, और यहाँ पे आके इनवर्टेड कॉमास क्लोज़ कर देंगे, फिर अपने वेरिएबल्स बता देंगे जहाँ से उनको वैल्यू लेनी है। तो वेरिएबल्स हमारे पास जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास वेरिएबल, हमने दो बनाए हुए, एक बनाया वाई के नाम से और एक बनाया जेड के नाम से, और फिर इसके बाद उन दोनों की वैल्यू भी आ जाएगी, और उसके बाद जो मुझे आउटपुट आएगा वो मैं देना चाहता हूँ इस तरीके से कि बॉक्स की शक्ल में मुझे इसका आउटपुट आ जाए। जो हमने यहाँ पर जो है वो आई जो डेटा था और उसके अंदर हमने यहाँ पर जो है वो एरे था, आई एरे हमारे पास आ गया, और यहाँ हमने दे दिया वाई और उसके बाद हमने दे दिया जेड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो आउट लूप चलेगी, लूप के अंदर नेस्टेड लूप है, डबल लूप चलेगी, और डबल लूप चल के वो दोनों के जो है कॉलम्स और रोज़ का रिटर्न कर देगी। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, ठीक है देखें अब हमें बता रहा है कि आई आपका जो है वो एरे, तो ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो की वैल्यू है, ज़ीरो कॉलम ज़ीरो वन पे जीरो, फिर ज़ीरो की वैल्यू है, जो हमने वैल्यू उसको असाइन की वो ऐसे दी है, ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू दी हुई है। फिर इसके बाद वो कहता है पहला कॉलम, यानी ये आपके पास पहला कॉलम हो गया, ये आपके पास आ गया दूसरा कॉलम, और ये आपके पास आ गया तीसरा कॉलम। तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे थे, पहला कॉलम है, पहला कॉलम पहली रो, पहला कॉलम दूसरी रो, फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तो उस पर जो जो वैल्यूज़ आई हुई है जो हमने यहाँ पे असाइन की हुई है वैल्यू, हमने जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमने कहा वन टू टू थ्री दिया हुआ है, तो जो भी हमने वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू इस हिसाब से बता रहा है कि कौन से कॉलम और कौन सी रो पे कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो इस तरह से हमने आउटपुट ले लिया कि हर चीज़ क्लियर हो गई है कि कॉलम्स कैसे होते हैं, रोज कैसे होता है, उसकी वैल्यू को एलोकेट कैसे करता है, किस तरह की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम चाहे तो वहाँ पे जो वैल्यू चेंज कर देंगे वो वैल्यू यहाँ पर चेंज होती जाएगी, लेकिन इंडेक्स आप वही बनाएगा। कॉलम हमारे पास तीन कॉलम है, ज़ीरो वन और टू के, और रोज़ हमारे पास दो है, यानी ज़ीरो और वन की दो रोज़ हैं, तो ये वन वन चले जाए तो इसे मैट्रिक्स चलता है। पहला कॉलम मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स होते हैं, तो पहला कॉलम पहली रो, पहला कॉलम दूसरी रो, तो फिर दूसरे कॉलम की बारी आती है, फिर तीसरे कॉलम की बारी आती है, तो सेम हमारा टू डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स पे चलता है, रेक्टेंगुलर एरे कहलाता है ये हमारा। और रेक्टेंगुलर एरे जो है मैट्रिक्स के जो है वो फॉर्म में चल रहा होता है। अगर आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशन करना है तो दो कॉमन दे देंगे, फिर यहाँ पे आप एक वैल्यू और असाइन करेंगे, जो तीसरी वैल्यू जो आप असाइन करेंगे मल्टी डायमेंशनल के लिए, वो आपकी जो है वो डायमेंशनल एरे कहलाती है, यानी वो लेयर बनाती है।
कोशिश करें इसको देखें, वो इतना यूज़ नहीं होता है हमारे पास स्पेशली जो है एजुकेशन में, लेकिन अगर इंजीनियरिंग वगैरह में उसका काफ़ी इस्तेमाल है, तो वो यहाँ पे आके हम दो कॉम में लगा देंगे, और यहाँ पर आके हम तीसरी वैल्यू भी असाइन कर देंगे। अगर जब हम तीसरी वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो डायमेंशनल वैल्यू होगी, डायमेंशन मतलब उतनी लेयर बनाएगा, तो उसके हिसाब से हमें आगे लेयर वैल्यूज भी असाइन करनी पड़ेगी, बाकी सारा कोड वही है। तो उसको स्टडी करें, देखें, और जब समझ में आ जाए तो ज़रूर कोई कमेंट्स, कोई इशू आता है समझ में आए तो उसको प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स करें, पूछें, मैं वहीं से आपको आंसर दूंगा। और अगर ये पसंद आई थी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन भी प्रेस करें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन भी आती रहे, तो मैं जिसमें फर्दर वीडियोज़ डालते रहता हूँ। अभी तकरीबन 1 महीना हुआ है मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए, स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो जैसे रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो इसको देखते रहें। इंशाल्लाह आगे पैथन की ट्रेनिंग भी मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई भी इशू हो समझ में ना आए तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है जी।